उड़ीसा के बालासोर जिले में हुए ट्रेन हादसे से टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली भी आहत हुए। इस भीषण हादसे को लेकर विराट कोहली ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा, उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे की खबर सुनकर गहरा दुख पहुंचा है। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खो दिया। वही घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। विराट कोहली के अलावा अन्य खिलाड़ियों ने भी इस हादसे पर अपनी संवेदनाएं प्रकट की। वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट कर कहा, उड़ीसा में कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन हादसे की खबर सुनकर गहरा दुख पहुंचा। इस हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। गौतम गंभीर ने हादसे पर दुख प्रकट करते हुए कहा, उड़ीसा में हुए जनहानि ने स्तब्ध कर दिया है। ईश्वर पीड़ित परिवारों को शक्ति प्रदान करे। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राष्ट्र आपके साथ खड़ा है। आकाश चोपड़ा ने अपने ट्वीट में इस हादसे की एक भयावह तस्वीर शेयर करते हुए कहा, हादसे में अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। वही टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने इस हादसे को लेकर रेल मंत्रालय और उड़ीसा सरकार के साथ साथ राज्य सरकार से भी यात्रियों को जल्द से जल्द रेस्क्यू करने की अपील की है। हरभजन ने कहा, कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक अन्य ट्रेन के बीच हुए इस दुर्घटना के बारे में सुनकर गहरा दुख पहुंचा है। वही शिखर धवन ने हादसे को लेकर कहा, उड़ीसा में हुए दर्दनाक रेल हादसे में प्रभावित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मेरी प्रार्थना शोक स्तप्त परिवारों के साथ है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ।